यहाँ मैं ब्लैक कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। इस दियो को मैं पूरी तरह से फिल करूँगी। यह देखिए कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ वाइट कलर इस्तेमाल कर रही हूँ इस दियो को फिल करने के लिए। यह कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। अब मैं यहाँ 5 नंबर का फ्लैट ब्रश इस्तेमाल करी और वाइट कलर। इस दिए के बॉर्डर में एक फ्लावर बनाना है वाइट कलर से। अब मैं यहाँ येलो कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। इस सर्कल को मैं व्हाइट कलर से बनाकर इसे पूरी तरह से फिल कर रही हूँ। इसके किनारे छोटे छोटे डॉट देने हैं और इसके बॉर्डर में भी। अब मैं यहाँ पीला कलर इस्तेमाल कर रही हूँ बॉर्डर के लिए फिल से। इस बॉर्डर को फिर येलो कलर से डॉट देना है। मैं यहाँ 0 नंबर का ब्रश इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इस दिए के बॉर्डर में ये डिजाइन कर लेना है। अब इस बॉर्डर को पूरी तरह से व्हाइट कलर से फिल कर लेना है। अब मैं ग्रीन कलर इस्तेमाल करूँ इसके अंदर डॉट देने के लिए। इसके बॉर्डर में भी हम लोग डॉट देंगे ग्रीन कलर से। अब मैं यहाँ व्हाइट कलर इस्तेमाल कर रही हूँ इसे पूरी तरह से फिल कर ले। इसके किनारे छोटे छोटे डॉट्स देने हैं येलो कलर से। इसके बॉर्डर में एक छोटे छोटे लाइन बनाने हैं। मैं रेड कलर ले रही हूँ और वाइट कलर। इस फ्लावर को भी वाइट कलर से कर लेना है। यहाँ छोटे छोटे डॉट देने हैं। अब मैं यहाँ रेड कलर इस्तेमाल कर रही हूँ इसके अंदर एक और फ्लावर बनाना है। इसके किनारे छोटे छोटे डॉट देने हैं। इसके बॉर्डर में भी। अब इसके रेड डॉट के किनारे ग्रीन डॉट भी देने हैं। अब मैं ब्लैक कलर इस्तेमाल कर रही हूँ डॉट देने के लिए। अब मैं यहाँ एक छोटा सा सर्कल बनाऊंगी और इसे पूरी तरह से फिल कर ले। इसके ऊपर में डॉट देने हैं और इसके नीचे एक वी शेप करना। अब मैं इस सर्कल को गोल्डन कलर से फिल कर रही हूँ। अब मैं यहाँ व्हाइट कलर इस्तेमाल कर रही हूँ इस फ्लावर के लिए। अब यहाँ हल्का हाथ से स्ट्रोक मारना है रेड कलर से।
के बॉर्डर में भी रेड करना है। अब मैं यहाँ व्हाइट कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर मेरा चैनल आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। अब मैं यहाँ येलो कलर इस्तेमाल कर रही हूँ।